यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 19। यिर्मयाह अध्याय 19। यहोवा ने यो कहा है कि तू जाकर कुम्हार की बनाई हुई मिट्टी की एक सुराही मोल ले और प्रजा के पुरनियों में से और याजकों के पुरनियों में से भी बहुतों को साथ लेकर हिम्मोनियों की तराई में उस फाटक के निकट चला जा जहां ठिकरे फेंक दिए जाते हैं और जो वचन मैं कहूं उसे वहां प्रचार कर। तू यह कहना कि हे यहूदा के राजाओं और यरूशलेम के सब निवासियों यहोवा का वचन सुनो। इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि मैं इस स्थान पर ऐसी विपत्ति डालना चाहता हूं कि जो कोई उसका समाचार सुने उस पर सन्नाटा छा जाए क्योंकि यहां के लोगों ने मुझे त्याग दिया और इस स्थान को पराया कर दिया है और इसमें दूसरे देवताओं के लिए जिनको न तो वे जानते हैं और न उनके पुरखा व यहूदा के पुराने राजा जानते थे धूप जलाया है और इस स्थान को निर्दोष के लोहू से भर दिया है और बाल देवता की पूजा के ऊंचे स्थानों को बनाकर अपने लड़के बालों को बाल देवता के लिए होम कर दिया है। यद्यपि इसकी आज्ञा मैंने कभी भी नहीं दी न उसकी चर्चा की न वह कभी मेरे मन में आया। इस कारण यहोवा की यह वाणी है कि ऐसे दिन आने वाले हैं कि वह स्थान फिर तोपेत व हिम्मोनियों की तराई न कहलाएगा वरन घात ही की तराई कहलाएगा और मैं इस स्थान में यहूदा और यरूशलेम की युक्तियों को निष्फल कर दूंगा और उनको उनके प्राणों के शत्रुओं के हाथ से तलवार चलवाकर गिरा दूंगा और उनकी लोथे आकाश के पक्षियों और भूमि के जीव जंतुओं का आहार कर दूंगा और मैं इस नगर को ऐसा उजाड़ दूंगा कि लोग इसे देखने के ताली बजाएंगे और जो कोई इसके पास से होकर जाए वह इसकी सब पत्तियों के कारण चकित होगा और ताली बजाएगा और घिर जाने और उस सकेती के समय जिसमें उनके प्राण के शत्रु इनको डाल देंगे मैं उनको उनके बेटे बेटियों का मांस खिलाऊंगा और एक दूसरे का भी मांस खिलाऊंगा। तब तू उस सुराही को उन मनुष्यों के सामने जो तेरे संग जाएंगे तोड़ देना और उनसे कहना कि सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि जिस प्रकार यह मिट्टी का बासन जो टूट गया और फिर बनाया न जाएगा इसी प्रकार मैं इस देश के लोगों को और इन नगर को तोड़ डालूंगा और तोपेत नाम तराई में इतनी कब्रें होगी कि कब्र के लिए और स्थान न रहेगा। यहोवा की यह वाणी है कि मैं इस स्थान और इसके रहने वालों के साथ ऐसा ही काम करूंगा। मैं इस नगर को तोपेत के समान बना दूंगा और यरूशलेम के सब घर और यहूदा के राजाओं के भवन जिनकी छतों पर आकाश की सारी सेना के लिए धूप जलाया गया और दूसरे देवताओं के लिए तपावन दिया गया है तोपेत के बराबर अशुद्ध हो जाएंगे। तब यिर्मयाह तोपेत से जहां यहोवा ने उसे भविष्यवाणी करने को भेजा था लौट आकर यहोवा के भवन के आंगन में खड़ा हुआ और सब लोगों से कहने लगा इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि देखो सब गांव समेत इस नगर पर वह सारी विपत्ति जो मैंने इस पर डालने को कहा है डालना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने हट करके मेरे वचन को नहीं माना है।